हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिनलैंड में जो वीज़ा मिल रहा है, सीजनल वर्क वीज़ा, वो कैसे लेना है आपको। ये देखिए, फिनलैंड इन इंडिया, ये एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, न्यू दिल्ली काउंसिलेट जनरल ऑफ फिनलैंड जो बॉम्बे में है, उसकी साइट है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं, सीजनल वर्कर्स वीज़ा है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यू नॉर्मली नीड अ रेजिडेंस परमिट टू बी अलाउड टू वर्क इन फिनलैंड, हाउएवर फॉर सीजनल वर्क यू डू नॉट नीड अ रेजिडेंस परमिट। मतलब ये जो सीजनल वर्क है, वीज़ा है, इसके लिए आपको PR रेजिडेंस परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वीज़ा पे आ सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब ये वीज़ा आपको कैसे लेना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सीजनल वर्क डन इन फिनलैंड विल बी गवर्न बाई सीजनल वर्क एक्ट बेस्ड ऑन न्यू EU डायरेक्टिव ऑन सीजनल वर्कर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें सीजनल वर्क में क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रूट्स पिकिंग जॉब है वो नहीं आती है इसमें। ठीक है, ये इसके अंदर कवर नहीं होती है, फिनलैंड में कवर नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको कैसे आना है, ये वीज़ा कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले आप ये देख लीजिए इसको पूरा, यहाँ पे अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अप्लाई फॉर अ सीजनल वर्क परमिट, ये देखिए इस पर क्लिक करिए इस लिंक पर आप, तो उसके बाद आपको ये दूसरी साइट पर ले जाएगा। देखिए अभी ये देखिए आप आ गए यहाँ पर migri.fi पे आप आ गए फ्रेंड्स। ये देखिए सीजनल वर्क, इफ़ यू आर कमिंग टू फिनलैंड टू डू सीजनल वर्क यू मस्ट अप्लाई फॉर द अप्रोप्रिएट परमिट। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस लिंक को क्लिक करिए आप। अब ये देखिए, इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर लेस देन 3 मंथ्स, अगर आपका काम 3 महीने से कम है, इफ़ यू नीड अ वीज़ा टू इंटर फिनलैंड अप्लाई फॉर सीजनल वर्क विद अ फिनिश एमिशन। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ये देखिए यहाँ पे, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ कंट्री हू सिटीजन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव वीज़ा, अगर आप ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जिनको वीज़ा नहीं चाहिए, इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है, इंडिया में आपको वीज़ा चाहिए फ्रेंड्स, वीज़ा आपको चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो इन्होंने अभी यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 3 महीने से कम के लिए आ रहे हैं, फिर देखिए अगर आप 3 से 6 महीने के लिए आ रहे हैं, और अगर 6 से 9 महीने के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल वर्क, अगर 3 से 6 महीने के लिए आ रहे हैं और 6 से 9 महीने के लिए भी आ रहे हैं, तो अगर आपको रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप आ गए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि रेजिडेंस परमिट आपको कैसे लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे सब कुछ ऑफिशियल एम्बेसी के साइट से मैं आपको बता रहा हूँ, फिनलैंड की जो एम्बेसी है उसके साइट से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन भी यहाँ पे है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक अटैचमेंट्स, आप जब इस पर क्लिक करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इफ़ यू अप्लाई फॉर परमिट इन इंटर फिनलैंड, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करें, ये देखिए फिनलैंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, यहाँ से आप भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर समझ लीजिए आपको और डिटेल चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इधर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीजनल वर्क सर्टिफिकेट व्हाट काउंट्स एज़ सीजनल वर्क न्यू एम्प्लॉयर, आप इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पे क्या आता है। ये देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू डू सीजनल वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड योर सीजनल वर्क परमिट, यू मस्ट अप्लाई फॉर द एडिशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू योर परमिट, इफ़ यू नॉट अप्लाई फॉर द एडिशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयर टू परमिट यू डू नॉट हैव द राइट टू वर्क फॉर एनी द एम्प्लॉयर दैन दोज हुज नेम्स हैव बीन। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको जो एम्प्लॉयर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भेजता है फिनलैंड से, आप जब उसके बारे में पता करते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, अब मुझे इस एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं करना, किसी भी रीज़न, समझ लीजिए उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं दे रहा, वो आपको जो प्रिवलेजेज हैं वो ज़्यादा नहीं दे रहा, तो उस समय अगर आपको अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए बहुत ज़रूरी हो आता है, बहुत सारे लोग अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं वर्क परमिट आने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए इफ़ यू डू नॉट अप्लाई फॉर द एडिशन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयर टू योर परमिट, आपका जो वर्क परमिट आएगा उस समय आपको जो नए एम्प्लॉयर जिसके साथ आप काम करना आते हैं उनका पूरा डिटेल लेके आपको एम्बेसी के मेल एड्रेस पे मेल करना है। मैं आपको बताऊँगा कौन से मेल एड्रेस पे आपको मेल करना है, ठीक है फ्रेंड्स, बताऊँगा मैं वो भी आपको। ये देखिए यहाँ साइड में सब कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वर्क इन द फील्ड ऑफ कल्चर और आर्ट्स, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा एप्लीकेशन कैसे लेना है ये देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने आपको जो बताया था ईमेल आईडी ये रही migri@migri.fi। ठीक है, migri@migri.fi पे आपको वो वर्क परमिट अपना भेज देना है नए एम्प्लॉयर को ऐड करने के लिए।
आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं होता वो फिर एजेंट्स के चक्कर में आ जाते हैं और अपने पैसे और अपना मेंटल पीस दोनों लूज़ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। अब देखिए हम वापस जाते हैं यहाँ पे। फ्रेंड देखिए लाइव वीडियो चल रहा है एकदम, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यूक्रेन के जो लोग हैं छोड़ के जो फिनलैंड आना चाहते हैं उनके ऊपर भी है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए एम्प्लॉयर्स के लिए भी है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स एक लिंक है वर्क इन फिनलैंड, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करिए। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। इफ़ यू प्लान टू वर्क इन फिनलैंड यू विल यूजली नीड अ रेजिडेंस परमिट। ये वीडियो मैंने शुरू किया था सीजनल वर्क वीज़ा से फ्रेंड। अगर आपको सीजनल वर्क समझ लीजिए फिनलैंड का कोई एम्प्लॉयर देता है आपको, तो आपको फ्री में वीज़ा मिलेगा फ्रेंड्स। वीज़ा जो आपको मिलेगा फ्री में होगा। फ्री में क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आपका पूरा खर्चा पानी सब वहाँ का एम्प्लॉयर देगा अगर आपको सीजनल वर्क वीज़ा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर समझ लीजिए आपको काम करने नॉर्मली आना है, ठीक है, तो आपको रेसिडेंस परमिट लेना पड़ता है, ठीक है, जो फिनलैंड की इमिग्रेशन अथॉरिटी आपको देती है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए ये साइट है, यहाँ पे आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ये देखिए यहाँ साइट में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इस साइट पे आइए फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी जानकारी है। और कोई डाउट है आप मुझसे आके पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आके। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए कैसे भरना है आप व्हाट्सएप पर आके मुझसे पूछिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड जानकार बनिए, हमेशा ऑफिशियल साइट से ही अपनी चीज़ें करिए। ऑफिशियल साइट से करेंगे तो सारी चीज़ें सही होंगी। अब देखिए अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो ये देखिए यहीं पे है बुक एन अपॉइंटमेंट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको एक साइट पर ले जाएगा जहाँ आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड डालना है, अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन सर्विस भी है देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप पर आके मुझसे पूछिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।